अब बात को आज हाथी होने से लगता है थोड़ा भी ऐसा माइंड ऐसा घिनौनी सोच रखने वाला थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। नहीं तो पोक्सो केसेस 6 महीने के अंदर सुनवाई हो जानी चाहिए। तो एक क्यों देरी हुई, तो सब कुछ तो किया गया था, इसलिए देरी हुई कि जो अब्बास के तरफ से जो भी थे उन्होंने कोशिश किया कि इसको लंबा खींचे, कभी आने में देरी की, कभी कोई पताल बहाना करने लगा, और जितना हो सके इस केस को लंबा किया जाए वो कोशिश में लग गई, इसीलिए 13 महीना हुआ, नहीं तो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मैटर में आज विद इन 1 ईयर हम लोग ने ट्रायल कंप्लीट कर दिया है। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में जजमेंट हो चुका है, अभी कन्विक्शन का प्रोनाउंसमेंट जो है आज होने का है, और हम लोग को कैपिटल पनिशमेंट जो है इसके लिए हम लोग वी आर होपिंग फॉर कैपिटल पनिशमेंट। और इसमें कैपिटल पनिशमेंट क्यों आ सकता है, क्योंकि इसमें सेक्शन 376A है और 376A के साथ मर्डर है। 376A में आपको मैंने पहले ही बताया कोई भी विक्टिम जो रेप के दरमियान दम तोड़ देती है, इस टाइप का सीवियर क्राइम में 376A आता है, और ये जो है इसमें डेथ पेनल्टी है। ये तो अक्सर बोलती हूँ, एक बच्चे को खाली पढ़ाना नहीं है, मॉरल एजुकेशन देना भी जरूरी है कि उसको एक गुड ह्यूमन बींग बनाने के लिए। और एक बच्चे को खाली इसका माँ बाप का खाली जिम्मेवारी नहीं, वो समाज सोसाइटी का भी जिम्मेवारी हो। उसको बताए कि तुम्हारा सिस्टर है, उसको तुमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आज के सेंटेंस पॉइंट हेयरिंग हलो, दुपक्ष तार पॉइंटगुलो बोलो। एक्चुअली भारतवर्षे फांसी होते गेले রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার কেস প্রুভ করতে হয় বচ্চন সিংয়ের জাজমেন্টের পর থেকে। তো এই কেসটা কেন রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার কেস এবং কেন এটাতে ডেথ সেন্টেন্স দেওয়া উচিত, সেই সাপোর্টে আমি বিভিন্ন রকমের জাজমেন্ট, মোর দ্যান টোটাল জাজমেন্ট রিলাই মোর দ্যান 20-20টার ওপর জাজমেন্ট আমি সুপ্রিম কোর্ট এবং আদার কোর্টে রিলাই করলাম। এবং আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে হিনিয়াসভাবে মেয়েটির সঙ্গে ক্রাইম হয়েছে, এবং শুধু একটা ক্রাইম না, কিডন্যাপিং, তারপর তাকে রেপ, তারপর তাকে মার্ডার, তারপর তার আইডেন্টিটি নষ্ট করার জন্য তাকে ইট দিয়ে থেতলে মাথায় মারা হয়েছে, যাতে কেউ চিনতে না পারে। ইয়ো বাতে ফালতু কুড়া কে করতে না, আমি আমি লাই ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আমি চিনদাই না, আমি না বিজেপি চিনছ না টিএমসি চিনছ, আমি লাই নাই চাইছ। উনালে বার বার লিয়ে আমরো ওড়ি পড়ি ঘুমতেছ মিডিয়া কর্মী আমি কুড়া আমি রিকোয়েস্ট করছো দুইয়া জোরে ইয়ো কুড়া লাছে ত্যাং গাজিং গিজিং মিক্স ন করদিন ছোলা ইয়ো আমরো বিশেষ অফিস তাপায়লাই। हाँ, यो हुआ क्या है कि आज सुबह से देख रहे विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और शायद TMC भी इस साइड में खड़ी थी, और वो लोग आए थे। अब तो आज फाइनल जजमेंट आने वाला था, तो उन लोग का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि उसको कैश किया जाए। ऐसे देखा जब शुरू में तो उन्होंने स्ट्राइक बुलाए थे, वो लोग अपना ढंग से क्या किए हम लोग का उससे कोई लेना देना नहीं। फिर भी जैक के तरफ से, परिवार के तरफ से उन्होंने तब जो किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अभी तो ये तो टोटली और राजनीतिक एक मंच है। तो उन लोगों को बार बार सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग यहाँ मत आइए, आप अलग से कुछ कीजिए, आप अलग रहिए, बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। उन लोग चाहते हैं कि कुछ झमेला हो, जो हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। बस इसी वजह से अभी जितना हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। चलो देखा जाए कल के जन्म अपेक्षा करो भगवान के डाक। ठीक है सर, हम आवाज अपन चेष्टा कर रहे हैं। आज के ट्रायल में अब्बास के पक्ष से जो है लीगल है, उन्होंने कहा कि अब्बास का उम्र ज़्यादा नहीं है, 21-22 साल का है, उसका एक बेटी है, उसका बुरा माँ बाप है, इसलिए आज उसको थोड़ा कंसेशन, थोड़ा मतलब नमनीयता बढ़ते कोर्ट,
लेकिन इधर जो हम लोग के अभाया का पक्ष से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विभा सर जी, उन्होंने अभी तक रेप केसेस जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको ला के बहुत सारे केसेस का एग्जाम्पल दिया है कि एक केस किस लहजे से रियल है, तो उसको लिए उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट उन्होंने रखे हैं और कहा, उन्हें कहा है कि यदि इस टाइप का क्रिमिनल यदि फिर बाहर आएगा 10 साल 12 साल बाद तो एक ही समाज में रहेगा, समाज में क्या मैसेज जाएगा, और इसी ढंग का जो क्रिमिनल माइंडसेट का जो है अभी भी समाज में घूम रहे हैं, इसको छोड़ा जाएगा तो उन लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। इसीलिए रेजिस्टर है, एक परिवार ने एक बच्ची को खोया है और उसने एकदम प्लान करके मर्डर किया है, इसलिए रेड केस है और इसको फांसी होनी ही चाहिए। कल फाइनल जजमेंट होगा, कल डेट है 3 बजे पनिशमेंट कोर्ट बोलेगा। सर क्या उम्मीद लग रहा है, आज चर्चा हुई सब फांसी की मांग कर रहे हैं, आज आपने बहस किया, आखिर का डेट क्यों टला है? सर डेट इसलिए टला है कि इतना हमने जजमेंट दिए है, इतना दलील दिए है, इसके लिए कोर्ट को देखने के लिए एक दिन का टाइम जरूरत होता है, इसीलिए डिफेंस को भी दिया है। आज अब्बास ने कुछ कोर्ट में कहा, वो बोला है उसका छोटा लड़का लड़की है 1 साल का, उसका मामी है और वो कभी इससे पहले क्राइम नहीं किए, उसको कम सजा हो।